नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक वीडियो देखते हैं और ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के ट्विटर हैंडल पर सोशल मीडिया मंच पर वायरल है। अभी तक भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई साफ सफाई नहीं आई है, कोई बयान भी नहीं आया है, लेकिन इस वीडियो से बिल्कुल स्पष्ट है कि मटियाला में जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं गुलाब सिंह यादव, उनके साथ शुरू में बहस हो रही है कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की, उसके बाद धक्का मुक्की शुरू होती है, फिर मारपीट शुरू होती है और एमएलए वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को जरा देखिए, इसके बाद बात करते हैं इस पर। आम आदमी पार्टी के एमएलए गुलाब सिंह यादव, जब ये मारपीट शुरू हुई तो वहां से भाग खड़े हुए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के कम दो नेताओं के तो बयान मेरे सामने हैं इस समय। ये वो चित्र जब मारपीट शुरू हुई और इसके बाद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का इस वीडियो के साथ ये मैसेज, पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव की समर्थकों ने पिटाई कर दी। और कपिल मिश्रा का ये मैसेज उसी वीडियो के साथ, टिकट बेचने के कारण आप विधायक गुलाब की आपके ही कार्यकर्ताओं द्वारा इस पिटाई की मैं कड़ी निंदा करता हूं। यानी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने एक तरीके से ये जो कांड हुआ है आम आदमी पार्टी के एमएलए गुलाब सिंह यादव के साथ, इस पर न केवल चटखारे लिए हैं बल्कि तीखे व्यंग कसे हैं, क्योंकि कम से कम दो ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं या दलालों से जुड़े हुए हैं। 16 नवंबर को कमला नगर के एक वार्ड के लिए आम आदमी पार्टी के टिकट की प्रत्याशी शोभा खारी, जिन्होंने एसीबी की टीम को बुला करके बाकायदा एक एमएलए के साले और पीए समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कराया था, और शोभा खारी का यह कहना है कि उनसे 90 लाख रुपया तय हुआ था कि आपको 69 वार्ड से टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और वो तब तक 55 लाख रुपया इनकी भेंट चढ़ा चुकी थी। 35 लाख रुपया एक एमएलए को गया था, 25 लाख या 20 लाख दूसरे एमएलए को गया था। जिसके पास 35 लाख गया था, टिकट नहीं मिलने के बाद उसने 33 लाख रुपया वापस करने का फैसला किया। ये सब फोन कॉल पर है और 4 एमएलए की फोन कॉल वॉइस ये बताते हैं कि एसीबी के पास है। और ये दावा किसी और ने नहीं किया है, कपिल मिश्रा ने ही किया है,
जब 16 नवंबर को ये पूरा मामला सामने आया था। उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने इसे ड्रामा बताया था, मनोहर कहानियां बताया था, और अब भी यही काम हो रहा है। और ये संयोग देखिए कि जिस दिन ये वीडियो शाम को सामने आया है, गुलाब सिंह यादव जो एमएलए है उनकी पिटाई का, उसी दिन सुबह बल्कि दोपहर में संबित पात्रा ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। इसमें यह बताया गया कि ये रोहिणी क्षेत्र का है, रोहिणी विधानसभा क्षेत्र का है, और उसमें जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी बिंदु, वो जो आम आदमी पार्टी के ब्रोकर हैं या कह लीजिए के दलाल हैं, उनसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर के बातचीत कर रही हैं और खुली बातचीत हो रही है, सारा ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा है। यानी बिंदु ने ही ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, कैमरा ऐसी जगह लगा करके ताकि जो दो लोग वहां बैठ करके उनसे सौदेबाजी कर रहे हैं, 80 लाख रुपया एक साथ देने की बात कर रहे हैं, वो पूरा पूरा कैद हो जाए कैमरे में और सबूत उसके हाथ में आ जाए, और वो पूरा स्पष्टता के साथ सामने आया है। बिंदु ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि मैं 21 लाख की टोकन मनी दे देती हूँ, 40 लाख बाद में दे दूंगी और 20 लाख उसके बाद दे देंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, आप एक साथ ही 80 लाख रुपया दीजिए, तब टिकट आपको मिलेगा। उसमें वार्ड संख्या भी है कि कौन से वार्ड से उनको टिकट मिलना है। ये आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने ये कहा था, और संबित पात्रा के साथ विजेंद्र गुप्ता भी बैठे हुए थे, और जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी बैठे हुए थे, आदेश गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता का कहना ये था कि 250 में से 110 वार्ड आम आदमी पार्टी बेच रही है, यानी 110 वार्ड जो हैं टिकट बेचने के लिए आरक्षित कर दिए हैं पार्टी ने। ये बेहद गंभीर एलिगेशन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गुलाब सिंह यादव के साथ मारपीट हुई है, इसकी वजह क्या है? इसकी जो वजह बताई जा रही है वो भी यही है, गुलाब सिंह यादव पर आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने एमसीडी के चुनाव में वार्ड के जो टिकट हैं वो बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। तो अभी तक आम आदमी पार्टी इस पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं, ये जरा रहस्य है। और तमाम तरह के आरोप इन दिनों आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं, और भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, घूसखोरी के लग रहे हैं, और वो भी करोड़ों करोड़ों में। चाहे नई आबकारी नीति के गंभीर आरोप हों जिनकी इस समय सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, कई अब तक उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है शराब ठेकेदारों की और दूसरे लोगों की, मनीष सिसोदिया जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन पर भी तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी की। कहा तो ये जा रहा है कि 8 दिसंबर को जब हिमाचल और गुजरात के चुनाव नतीजे आ जाएंगे, और उससे पहले 7 दिसंबर को एमसीडी के भी नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद सीबीआई कड़ी कार्रवाई कर सकती है, यानी गिरफ्तारी कर सकती है। सत्येंद्र जैन को तो आप जानते ही हैं, 30 मई को गिरफ्तारी हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर लगे हुए हैं, और वो तब से तिहाड़ जेल में ही आराम फरमा रहे हैं। कई बार वो अलग अलग जगहों पर अपनी जमानत की एप्लीकेशन दे चुके हैं, याचिका लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है। अभी हाल में उनके भी कारनामे सामने आए थे, सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे तिहाड़ जेल के, जिस
बैरक में उनको रखा गया है, जिस कमरे में उनको रखा गया है वहां उनकी मसाज की जा रही है, हेड मसाज, फुट मसाज, दूसरी तमाम तरह की मसाजें। और जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट थी वो देखने लायक थी। मनीष सिसोदिया ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि साहब डॉक्टरों ने उनको थेरेपी देने की सिफारिश की हुई है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है उसका बयान आ गया कि क्या मंत्री को इतनी भी समझ नहीं है कि मसाज क्या होती है और फिजियोथेरेपी क्या होती है। ये मसाज की जा रही है, फिजियोथेरेपी नहीं दी जा रही है। तो एक एक करके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथी गंभीर आरोपों की जद में आ रहे हैं, उससे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जो इनकी छवि है वो भी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।